वेलकम टू माय चैनल फूड पैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन की एक नई रेसिपी, दही चिकन। दही वाला चिकन बनाना है हमने, उसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है जो वॉश कर लिया है अच्छे से मैंने। इसके लिए मैंने तीन से चार टेबलस्पून तेल डाला है इसमें। और इसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, 5 से 6 लौंग, थोड़े से दाने काली मिर्च के और जीरा। अब मैं पहले इसमें जीरा डालूंगी, साथ में मैंने काली मिर्च और सारे खड़े मसाले डाल देने हैं एक एक। जब ये थोड़े से रोस्ट हो जाएं, तो इसमें मैंने एक बड़ा प्याज काटा है, लंबे लंबे काट लिए इसे, बड़ा प्याज। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये हल्का सा सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हमने इसमें अदरक लहसुन डाल देना है 2 चम्मच। ये वाले किचन में जो काम यूज करते हैं ना हम, वो वाले 2 चम्मच अदरक लहसुन। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। अब हमने इसमें हरी मिर्च भी डाल देनी है। अब मैंने 2 हरी मिर्चें डाली हैं, आप अपने अनुसार डालें जितनी मिर्च आपको अच्छी लगती है, ज्यादा कम 2 मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें। हल्का सा भूनना है हमने। अब इसमें हमने टमाटर डाल देने हैं। दो टमाटर बड़े बड़े मैंने काट लिए। अब इसे अच्छी तरह से मसाला बनाना है इसका। ये देखिए टमाटर काफी गल गए हैं, गलने शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हमने इसमें मसाले डालने शुरू कर देने हैं। नमक 1/2 टीस्पून, टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं आप। लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, फ्लेम आप स्लो पे रखिएगा, मसाले डालने होते हैं ना उसका फ्लेम एकदम स्लो पे रखिएगा। धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अब जब जिस वक्त आप मसाले डाल दो ना, हल्का सा पानी डाल देना आपने और फ्लेम हाई पे कर देना, थोड़ा सा पानी डाल के फ्लेम हाई पे कर देना ताकि अच्छे से मिल जाएं सारे मसाले। अब जब मसाले भुने जाएंगे ना, तो आप इसमें चिकन डाल देना। 300 ग्राम चिकन जो मैंने आप लिया है वो मैंने डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स करना है। अब मसाले में अच्छे से कोट हो गया ना चिकन, अब हमने इसको दही डालना। पूरी 1 कटोरी ले ली मैंने, तकरीबन 100 ग्राम चिकन में 100 ग्राम दही डल जाएगा, क्योंकि दही वाला चिकन है, दही तो ज़्यादा डालना है। और इसमें अच्छे से मिक्स करके हमने इसमें पानी डाल देना है। देखिए अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं, 1 कप पानी। ये अगर पतला पतला लगे तो घबराइएगा नहीं, ये धीरे धीरे सारा गाढ़ा हो जाएगा, मसाला बन जाएगा। अब हम इसे ढक देंगे और इसे तकरीबन हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए ये ग्रेवी बन रही है, काफी लिक्विडी है। इसको हम अब ओपन में इसको पकाएंगे, ढक्कन नहीं लगाना है और इसको हाई फ्लेम पे रखना है 10 मिनट के लिए। ये देखिए अब इसकी काफी थिक हो गई है ग्रेवी। अगर आप चाहें तो इस तरह से ग्रेवी छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और रिड्यूस होने दें इसको, और सुखाना है तो सुखा लें इसको और थोड़ा सा। ये देखिए एकदम सही वक्त है कि अब हम इसमें हल्का सा
एक चौथाई चम्मच गरम मसाला डाल दें। थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। अच्छा लगता है ना धनिया का फ्लेवर, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक चम्मच कसूरी मेथी इसमें डालनी है हमने। इस तरह से हाथ में मसल के डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको आप फुलकों के साथ, परौंठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, नान के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। अब हम इसे फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। ऐसे गार्निश भी कर देते हैं हम थोड़ी सी धनिया के साथ। देखिए कितनी अच्छी डिश लग रही है। अगर आपको ये मेरी डिश अच्छी लगे तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, और इसे अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।